I am joined by our experts who are all really. दोनों कप्तान मैच रेफरी के साथ टॉस के लिए तैयार। टेल्स इज द कॉल एंड हेड्स इट इज। इन परिस्थितियों में टॉस हारना बहुत महंगा पड़ सकता है। बहुत ही दिलचस्प मैच होना चाहिए ये। अब तो एक रोमांच और ये आए सलामी। तेज गेंदबाज को लाया जा रहा है इस छोर से। इनिंग की पहली गेंद का सामना करते हुए इस आक्रामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूझबूझ और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ बढ़िया टाइमिंग, एक रन आसानी से पूरी की जा सकती है और बल्लेबाज दो रन का कॉल देते हुए बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। खेल दिया है गैप में और ये एक रन। बल्लेबाज अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। ओह बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहाँ। इसे कहते हैं होमवर्क करके आना। बल्लेबाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है। उठा के खेल दिया है, गैप में गई और ये बेहतरीन चौका। चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी। सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। आया जा रहा है पावर प्ले की समाप्ति और अब फील्डिंग टीम दो से अधिक फील्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं। हवा में खेल दिया था, ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहाँ और ये आउट। बहुत ही निराश लग रहे हैं। बहुत ही खराब शॉट। ये तो गेंदबाज ने चक्रव्यूह रच रखा था। जिस तरह मछली फंसती है जाल में, उसी तरह बल्लेबाज फंस गए इनके जाल में। ओह बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहाँ। इसे कहते हैं होमवर्क करके आना। बल्लेबाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बड़ा सिक्स। जाने जाते हैं ये बल्लेबाज ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना नामुमकिन होता है। ये तो तोहफे में दी गई गेंद थी और बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं चुके। ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वाह क्या बात है। पूरी तरह चुके वहां, गेंद को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए थे। बहुत ही निराश लग रहे हैं। बहुत ही खराब शॉट सिलेक्शन, ना प्लेस कर पाए ना टाइम और सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे। बल्लेबाज अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए उठा के खेल दिया है, गैप में गई और ये बेहतरीन चौका। तो
बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है ये विश्व क्रिकेट में। लाजवाब शॉट, एक पल में लगा कि गेंद बल्ले से लगी और दूसरे ही पल में बाउंड्री के उस पार चार रन। बहुत ही अच्छा गैप निकाल रहे हैं आज, बहुत ही सटीक प्लेसमेंट बल्लेबाज का। इनिंग की आखिरी बॉल ये रही आपके सामने। बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एक बार फिर स्वागत है आप सब, और ये आ रहे हैं दो अंपायर्स। विकेट संभाल के खेलना होगा, तेज गेंदबाज को लाया जा रहा है इस छोर से। इस आक्रामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूझबूझ और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ दो रन का कॉल, बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। उठा के खेल दिया है, गैप में गई और ये बेहतरीन चौका। ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे। खूबसूरत शॉट और चार रन। गेंदबाज के छक्के छुड़ाते हुए बॉल सीधे बाउंड्री रेखा के उस पार। दर्शक इनके दीवाने हैं और क्यों ना हो, इतना खुल के खेलते हैं मानो हर बॉल पे छक्का मार देंगे। लाइन और लेंथ मापने में तो एक सेकंड नहीं लगाते ये, बहुत ही बढ़िया सिक्स। गेंद की लेंथ का अनुमान तो इन्होंने बहुत ही जल्दी लगा लिया था, बहुत ही खूबसूरत शॉट। इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे। गैप में खेल दिया है, दो रन की कोशिश होगी यहां। बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए। और दूसरे शोर पे भी तेज गेंदबाज को ही लाया जा रहा है। क्या मैच देखने का अवसर प्राप्त हुआ है आज। स्टेडियम खचाखच भरी हुई और मैच अपने आखिरी ओवर तक जाती हुई। पहला रन तेजी से लेते हुए, बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। डीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने। बहुत ही बढ़िया पिकअप एंड थ्रो, बल्लेबाजों को एक एक्स्ट्रा रन लेने से रोक दिया। उठा के खेल दिया है, शानदार बल्लेबाजी और ये छह रन। और इसी के साथ जीत का लक्ष्य प्राप्त, दोनों बल्लेबाज यहाँ एक दूसरे को जीत की बधाइयां देते हुए। दोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए, और इसी को कहते हैं जेंटलमैन्स गेम।
Let's congratulate our man of the match and catch him for a few words. I felt I was in top form today and I'm really glad I could contribute towards the team.